माय यूट्यूब चैनल। तो आज के ब्लॉग में हम आपको लेके आए हैं संबलपुर की एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक जगह जो कि है विलेज क्राफ्ट। विलेज क्राफ्ट में आप बहुत सारी एंटिक पीसेस देख सकते हो और उन्हें खरीद भी सकते हो। और ये प्रधान पड़ा में है, मतलब संबलपुर के प्रधान पड़ा में सिचुएट है। तो चलो अब अंदर जाते हैं और आपको इनकी कुछ क्लिप्स दिखाते हैं, कितना सुंदर ये डेकोरेट है। ये है यहाँ का बाहर का व्यू। और ये सब स्टोन के बीच बने हैं। तो ये बाहर का नजारा, अब मैं आपको लेके चलती हूँ अंदर। आओ আমার কালচার আমার যে কালচার আছে ইন্ডিয়ার তাকে আমি প্রিজার্ভ করার চেষ্টা করছি, প্রমোট করার চেষ্টা করছি। যেটি হ্যান্ডমেড এসব আমার ইন্ডিয়াকে লোক জানুলে, বিকজ হাত যেন লোক মানে আমার আর্টিস্ট মানে বনাউলে জিনিস মানে ইন্ডিয়া ওয়াজ পপুলার ফর দ্যাট, যেটা কি ধীরে ধীরে ইট ইজ গেটিং মানে ওয়াইপড আউট। সো উই আর ট্রাইং টু আগেন কম ব্যাক টু দ্যাট এরা। সো হ্যান্ডমেড জিনিসকে প্রমোট করি করি উই আর জাস্ট সাপোর্টিং দোজ গাইস। This is from Rajasthan. It is Rajasthan artisan. It is from Rajasthan. My work is from Jharkhand. These all are also Rajasthan. So, yada bhi nahi hai. Mere kaki kahi. This is Channapatna. Karnataka. Channapatna ro toys section ek hai. Wooden toys. Upre copper ro minakari and hate print ro bottle ache. No, these are wood carving from Banaras. Banaras with a wood carving hai. Then yare hame asi ma fir stone carving ita Banaras ko. The Banaras ko stone carving, wood carving from Banaras. Ita hoche Dhokra art, Chhattisgarh. This is Dhokra art from Orissa. Ita sabu Chhattisgarh. Ita sabu Chhattisgarh. Ita hai gala Orissa. এটা সব আমার ওড়িশার আর বেশি দেখেন সবাই গ্রাস আমার ওড়িশার আর এটা সবাই গ্রাস সব ওড়িশার আর এটা জুট ফোল্ডার মানে এটা ভি আমার নিজের প্রোডাকশন ইন ওড়িশার আর
ল্যাম্প মানে আছে এটা টেরাকোটার ল্যাম্প হয় লোকাল আমার ইয়ার ওড়িশা রে দ্যাট ইজ ফ্রম ত্রিপুরা ব্যাম্বুর ল্যাম্প হয় টেবল ল্যাম্প ইয়ার উডেন ল্যাম্প হয় এটা বনারস উডেন ল্যাম্প টেরাকোটা আমার লোকাল লালটেন স্টোন ল্যাম্প হয় এটা দেন দ্যাট ইজ লেদার ওয়ার্ক আন্ধ্রা দেন স্টোন এটা আমার ইন লোকাল ওড়িশার পিঙ্ক স্টোন কার্ভিং देखो पासा क्या है फोर फोर तेरा कोटा इटा लोकल प्रोडक्ट हमार लोकल आर्टिशन माने मनोज इधर तो तेरा कोटा इधर मेटल लाइट है टेबल टॉप इटा हम अब टी लाइट कैंडल होल्डर सब टेबल ऊपर है हैंगिंग एंड टेबल टॉप है देन इटा भी सबई ग्लास है असंदुला सबई ग्लास है असंदुला पेंटिंग फ्रेम्स मने बाकी हम सब ओडिशा रो इटा सब ओडिशा रो दिस इज फ्रॉम राजस्थान मेटल लाइट है इटा भी सेटा भी राजस्थान रो है बहुत सुंदर है इटा वॉल डेकोर है हम अपन पूरा ही लाइट ये वही पत्थर है जो नदी किनारे पड़े रहते हैं पर ये जब आर्टिस्ट के हाथों आते हैं तो आर्टिस्ट ने अपने आर्ट से कितना खूबसूरत बना देते हैं और फिर इस आर्ट से यही पत्थर कितने वैल्यूएबल बन जाते हैं और उन आर्टिस्ट को एक कमाई का जरिया भी मिल जाता है। थ्री टाइप्स ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर वन इज साउथ इंडियन स्टाइल वन इज नॉर्थ इंडियन स्टाइल एंड अदर इज उत्कलीय स्टाइल इन उत्कलीय स्टाइल जनरली वी देवला मींस वी अंडरस्टैंड टेम्पल बट दिस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इज नोन एज देवला स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर आप इस एलिफेंट को देखो और अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो आपको ये भी दिखेगा कि इसके अंदर एक और छोटा सा एलिफेंट है देखो इसमें कितनी बारीकी से कारीगरी की गई है और इसके पीछे एक स्नेक है और दो फिशेज हैं और पता नहीं कैसे इन लोगों ने एक एलिफेंट के अंदर एक और एलिफेंट बना दिया कमाल का आर्ट है This is our Sambalpuri, which is about 400, 500 years old. And this is something special. Sambalpuri, then your Pochampalli and Patan. These three sarees are called Ikkat style. Or we call it in Odia, we call it Bandha. And this is called Chanderi sari. This saree is called Chanderi. This is called a Maheshwari sari. Mahesh. And this is the, you can say, this is the newest handloom in India. मेखला सादर अमरावती ये प्लेस इन आंध्र प्रदेश हाँ इस अमरावती कटन देन सम साड़ीज आर देयर व्हिच आर नोन एज कांची कटन साड़ीज आर देयर व्हिच आर प्रोड्यूस इन कांची सारी जगहों की यहाँ पर आपको साड़ियाँ मिल जाएगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ईस्ट टू वेस्ट हर जगह ये मास्क मेरे को बड़ा पसंद है आप लोगों को क्या क्या पसंद है आप अपने कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना चलो अब मम्मी से पूछते हैं कि हम लोग क्या क्या खरीदने वाले हैं